बात करते हैं कैग के नए खुलासे की। कैग की रिपोर्ट पिछली बादल सरकार की कारगुजारियों का दिन प्रतिदिन खुलासा कर रही है। नया खुलासा ये है कि केंद्र की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत दी गई राशि को खर्च ही नहीं किया गया, जिसके चलते कई जिलों में ये योजना शुरू भी नहीं हो पाई। पंजाब में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन पूरी तरह फेल रहा है और सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार की इस मुहिम को उसके गठबंधन की सरकार में भी हुंगारा नहीं मिला। ये खुलासा पंजाब की कैग की रिपोर्ट में हुआ है। कैग की रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर मारें तो 2014 से लेकर 2016 तक के समय में केंद्र सरकार की ओर से अकाली बीजेपी सरकार को जारी किए गए करीब 7 करोड़ रुपए में से महज 91 लाख ही इस्तेमाल हो सके हैं और इसलिए बनाई गई टास्क फोर्स की सुस्त कारगुजारी की वजह से 11 जिलों में स्कीम प्रभावित हुई है और 9 जिले बठिंडा, फरीदकोट, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, रोपड़ और शहीद भगत सिंह नगर में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम शुरू ही नहीं हो सकी। लेकिन पूर्व सरकार को ये रिपोर्ट हजम नहीं हुई, जबकि नई सरकार ने कहा कि पिछली सरकार के एजेंडे निजी थे। जेड़े स्लोगन आंदे रहे ने उन्हां नूं विगरसली नहीं करदे रहे, उन्हां च कोई मैनूं लगदे कोई इंटेंशंस जिहड़ियां सी उन्हां च कन्विक्शन नहीं लगदी। जो मैं कागज पत्र जो अफसर नाल गलबात करके देख के पता लगता है, मैनूं डेडिकेशन ते कन्विक्शन सरकार दे उहदे ते नज़र नहीं आई इन्हां प्रोग्रामां नूं लॉन्च करन लई। बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ और अब आंकड़े देखोगे आप। अब देखो अब जो आएगा मर्दम सवारी जिसमें आएगी और ये आएगा संख्या आएगी उसमें पता चल जाएगा। अब मुंह जवानी किसी के कहने थोड़ा ही है, पंजाब में बेटियों की संख्या बड़ी है, हरियाणा में कम थी हमारे से। मैं तो पंजाब का, हमें तो इनाम मिला है, हमें तो सरकार ने एक्स्ट्रा 200 करोड़ एक्स्ट्रा दिया था इस बात के लिए कि पंजाब में अच्छा काम हो रहा है, तो सेंटर ऐसे हमें इनाम दे दिया 200 करोड़ रुपए का। इस तरह के मेरे को इस गल की जानकारी नहीं कि एग्जैक्ट रिपोर्ट की है होया की है, पर मैं फिर यही गल की है कि डॉक्यूमेंट जोड़े ने यह विधानसभा दमेटियां लगातार इन सारे कले कले पैरे दिखने, इस करके सारा कुछ रिकॉर्ड तो है। तो कहने जिते कोई गलती हैगी है तुम एक्शन लो। खैर, कैग की रिपोर्ट के इस खुलासे ने कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन पूर्व सरकार इस रिपोर्ट के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार की इस मुहिम को लेकर उसकी अपनी ही गठबंधन सरकार की ओर से गैर संजीदगी दिखाने के लगे आरोप कई संशय खड़े करते हैं। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सी मीडिया।